बिजली व्यवस्था को सुचारू करने की मांग को लेकर थाना आए लोगों पर दूसरे पक्ष के लोगों ने किया हमला। पुलिस प्रशासन के सामने लगभग सैकड़ों लोगों ने हरवे हथियार से लैस होकर किया हमला। पत्थरबाजी की घटना में कई पुलिसकर्मी हुए घायल। उपद्रवियों द्वारा की गई फायरिंग। आसपास के सभी थानों की पुलिस पहुंची मधुबन थाना हुआ पुलिस छावनी में तब्दील। वहीं मौके पर ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी एवं बाघमारा डीएसपी आनंद ज्योति मिंज मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कांग्रेस नेता शेख गुड्डू एवं उनके गुर्गे पर हमला करने का लगाया आरोप। बीती रात भी शेख गुड्डू के लोगों ने तिवारी डी के बस्ती के लोगों को मार कर किया था घायल। बहुत हम लोग नहीं थे तो वो लोग क्या किया कि उसमें से पांच लड़का आ गया यहाँ पता कर यहाँ काहे काटा है भाई। जब यहाँ काटा है तो लोग को रगेत को मारा गया माथा पे पैर में सर भी जान रहे हैं। कैसे गाड़ी उन लोग को दिलवाए सर जान रहे हैं। इतना गुंडे प्रशासन के रहते हो जाएगा इतना मैंने अंधेर नगरी तो नहीं होगा मैं। और उसके बाद हम लोग प्रशासन से लाभी गया बोलता है क्या जानते हैं कि इस एरिया में नजर नहीं आना। बताइए 20 गांव हम लोग जाएंगे एक गांव में क्या कुत्ता का तो रोक लेगा। हम लोग से बस यही आग्रह है ये प्रशासन का ताकत हम किसको एहसास कराना है। लाइट की स्थिति क्या है? लाइट तो अभी चार्ज हो रही है। हम लोग ने किया हमने का लाइन नहीं किया छोड़ा इसलिए दिया है कि इतना गुंडे कैसे होगा कि मेरे वहाँ के कुछ लड़के आएंगे तो मार देंगे तो फिर 20 गांव के लड़के तो आप प्रशासन संभाल पाएंगे। अगर 20 गांव के लड़के अगर निकल गया भी निकला पीछे से फट गया ये प्रशासन के पास हम इसलिए आप कल रात में ही हम उसको बोले थे कि FIR करो सीएल का जो भी कौन होता है यहाँ का हेड जीएम महाप्रबंधक जीएम को बुलवाते हैं उसका क्या नोटिस। हाँ, एक नंबर तो एरिया उसको उसको देना है उसकी जिम्मेदारी बनती है वो देगी। लेकिन पुलिस के रहते प्रशासन का तो इतना बड़ा गुंडा हो गया है बोलता मैं मंत्री का आदमी कोई पुलिस वुलिस काम नहीं आएगा। और जब यहाँ लड़का आया तो यहाँ से थाना से कोई उनको बोल दिया कि भागो भागो 300-400 लड़का लोग आ जाएगा। अरे तेरे पास 300-400-3000 होगा अब 20 गांव का लड़का और औरत छूटेगा ना तो घर का ना एक एक ईटा एक एक मिट्टी कतरा कर देंगे। और हमारा डिमांड यही है आवेदन दे रहे हैं उसको अविलंब गिरफ्तार करे। वो किसी मंत्री का आदमी बोलता है ना उस मंत्री का भी हम लोग समझ लेंगे पर गिरफ्तार करे प्रबंधक प्रशासन। अब प्रशासन हमको समय दे कि 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा या 8 घंटे के अंदर अरेस्ट कर रहे हैं। हम लोग शांति से चल कल रात में दो गुटों के बीच मधुबन थाना अंतर्गत झड़प हुई थी जिसके बाद एक पक्ष के द्वारा थाने में आकर आज दिन में आवेदन दिया जा रहा था। उस समय दूसरे पक्ष के द्वारा थाने पर भीड़ बनाकर यहाँ पर कुछ हमला करने की कोशिश की गई जिसमें इन लोग एक पक्ष के द्वारा थाने के ऊपर पत्थरबाजी की घटना घटित हुई है और ऐसा भी सूचना मिल रहा है कि इनके द्वारा फायरिंग की भी घटना की गई है। हाँ खोखा जो है बरामद करने की कोशिश की जा रही है जितने खोखे बरामद हो सकते हैं घटनास्थल से खोखे बरामद किए जा रहे हैं। कौन है सर मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? मुख्य आरोपी का ऐसा कोई नाम नहीं है। अभी जो पक्ष है जिसके ऊपर हमला किया गया उनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है जिसमें जांच पड़ताल के बाद जो मुख्य आरोपी कौन है उसकी सूचना ली जाएगी और जो भी आरोपी इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाने के ऊपर पथराव इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? ये बहुत ही गंभीर घटना है। थाने के ऊपर पथराव करना या थाने के ऊपर फायरिंग करना ये सबसे गंभीर अपराध में से एक है और जो भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त होंगे ये हमारा जनता से वादा है कि जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उनके द्वारा इस तरह की घटना की गई है भविष्य में इस तरह की ताकि कभी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। पुलिस जवान घायलों को सुनाएंगे? हाँ कुछ जवानों को बचाव के क्रम में चोट आई है किसी को पत्थर से भी शायद चोट आई है तो उनको इलाज के क्रम में हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। क्षतिग्रस्त हुई है पुलिस की गाड़ी का अभी तक हमें सूचना नहीं है कि पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा भी एक FIR दर्ज की जाएगी जो व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर पुलिस की तरफ से भी एक अलग FIR दर्ज की जा रही है। सर इस थाना क्षेत्र में हमेशा विवाद होते रहता है गुड्डू से का नाम आया सर का ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है जिसका भी नाम आएगा जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिजली गया हुआ था पूरा क्षेत्र का तो इस साइड से लाइन पार हुआ है दो फीडर BCCL का एक 14 नंबर कहलाता है एक 16 नंबर कहलाता है तो 16 नंबर 14 नंबर दोनों ब्रेकडाउन था। कल रात को 14 नंबर का ब्रेकडाउन BCCL एक तरफ से बनाया दूसरी तरफ 16 नंबर बन रहा था। रात 9 बजे जाके हम लोग का उधर का तो शेख गुड्डू
उस लाइन को खुद स्वयं खड़ा होकर कटवा दिया गया कि बिजली अगर हमारा नहीं जलेगा तो किसी का नहीं जलेगा। तो हम लोग उस समय नहीं थे, कुछ लड़के लोग थे, तो लोग बोले भाई पता करते हैं कि झूठ बात है किसान, कहीं बिजली मिस्त्री लोग झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो वो लोग यहाँ पता करने आया तो उन लोग को रगेत के मारा गया, सोना का चेन पहना था एक बच्चा, उसका चेन भी गिर गया या वो लोग छीन लिया ये तो नहीं मालूम। उसके बाद उसका सर भी फटा हुआ है। थाना प्रभारी उनका गाड़ी खोज के दिलवाएं, बोले तुम लोग जाओ घर, हम लोग बात करेंगे। सुबह हम लोग जब पता चला तो हम लोग बोले भाई तो प्रशासन का मैटर है कि कोई गुंडाई करेगा। हम लोग प्रशासन के पास सिर्फ यही मांग रखने आए कि वो ऐसा गुंडाई कर रहा कि इधर से लाइन पार होगा तो लाइन काट देगा और लड़का लोग पूछने आएगा तो मारेगा। हम लोग यही बात कर रहे थे तब तक उधर से 300-400 में वो लोग लैस हथियार से लैस होके, बाकी तो कुछ पत्रकार मीडिया बंधु भी हमारे थे ही, बड़ा बाबू को हम तो धरना में बैठे हुए तो मुड़ के देखे बड़ा बाबू के पेट पर पीठ पर मार किया है वो लोगों ने थाना में चढ़ कर। ये तो प्रशासन की, अब हमारी तो कोई लड़ाई रही ही नहीं, ये प्रशासन की लड़ाई रही कि उनके सामने में उनके ऊपर वार किया गया। मैडम इंस्पेक्टर साहिबा को कुछ लड़के लोग अंदर कवर करके अंदर ले गए, कम से कम 6-7 राउंड फायरिंग हुआ है और प्रशासन के सामने पत्थरबाजी तो पूरा फायरिंग 6-7 राउंड और सामने आके गाड़ी थाना के सामने लगी गाड़ियों का मैंने मार कर तोड़ दिया गया। कम से कम 8-10 गाड़ी आगे का। अभी जिला SSP साहब खुद आए, जिला SP साहब उन्होंने कहा कि मैं उससे गुड्डू का और भी केस क्रिमिनल केस निकाले, उन्होंने बोले आश्वासन देता हूँ कि इस पर CCA लगेगा और रात भर में मैं इन लोग को पकड़ के गिरफ्तार करूँगा और अगर ये लोग नहीं करते हैं कल गिरफ्तारी या अगर हम पुलिस का स्थिरता देखेंगे तो फिर हम लोग जो 20 गांव के हैं फिर हम लोग अपने कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसकी जवाबदेही प्रशासन को तो लेना होगा। आरोप किस पर लगाए हैं? शेख गुड्डू पर मुख्य आरोपी वही है, वही उसका इतना मन बड़ावा के प्रशासन को पता सारा चीज कर रहा है और अगर ये नहीं करता है तो शेख गुड्डू आज इस आपके मीडिया के माध्यम से कर ले कि आज तक वो अगल बगल में कुछ लड़कियों को कुछ आदमी को मार के भयभीत करके अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहे थे तो ये गांव घर से उन्होंने टकराया है, उसका ईंट से ईंट भजवा दे। गुड्डू घोष, पूर्व विश्व अध्यक्ष, बागमारा।